थर्मल हैं, जानवाजे हैं यहाँ पे। चाय का टाइम हो गया यहाँ पे। पूरे उम्मत की फिक्र के लिए करता। शायद अच्छा ही है ना। चलिए देखिए आप, ये खाना बन रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर में दर्द रहती है, नींद नहीं आती, डॉक्टर ने दवाई दी काम नहीं कर रही। मेरे पीछे है मरकजी मस्जिद, यहाँ पे लगता है दीन का टीका। यहाँ पे ऐसी दवाई मिलती है जो आपको राह रास्त पे ले आती है, फिर आपको नींद भी अच्छी आती है और आराम सुकून भी रहता है। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे उलमा के साथ बैठेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, खुद भी उस पर अमल करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हमारे पास है यहाँ पे नदीम साहब, जिनके इनविटेशन के ऊपर हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। जैसे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने भी यानी कई इस्तेमाल होते हैं तबलीगी जमात के, मकसद ये कि कैसे जो है दीन को फैलाया जाए। आपने जो लोकल आपके मुकामी मस्जिद है उनको जो है आबाद किया जाए। मस्जिद जैसे हम देखते हैं कि जुमे में ईद में माशाल्लाह भरी होती है, लेकिन फजर में या आम नमाजों में 15, 20, 30 या 50 किसी मस्जिद में 100 आदमी होते हैं। तो फिक्र ये बेसिकली की जाती है कि किस तरह मस्जिदों को भरा जाए, इतने नमाजी आए कि जितने आपके जुमे और ईद में होते हैं, ताकि मुसलमानों के हालात बदले। तो माशाल्लाह इसी सिलसिले में ये लंदन का इज्तम आया, तो हम भी लंदन से आए हैं अपनी मस्जिद से। चले फिर इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, अंदर चल के फिर आगे देखते हैं और आपको भी दिखाइए, साथ रहिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। चलिए अंदर चलते हैं। ये आप देखें, इस तरफ जो है हमें ये दारुल उलूम की बिल्डिंग नज़र आ रही है, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारा जो अहाता है ये मस्जिद का अहाता है, और उसका वो सामने से फ्रंट है और ये दारुल उलूम है। यहाँ से अगर आप देखें ना तो ये पूरी बिल्डिंग जो है ना, इसके अंदर पूरी बोर्डिंग लॉजिंग सब होती है। नजीम साहब, इधर कितने तकरीबन तुल्लाब हैं? 500 के करीब पढ़ते हैं इधर? जी तकरीबन 500 के करीब हैं स्टूडेंट्स, और अब बोर्डिंग भी है। और अभी फ़िलहाल किस कौन कौन से क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है? अभी फ़िलहाल तो 18 प्लस की चल रही क्लासेस पे आप आलिम बनते हैं, 6 से 7 साल का कोर्स होता है। और ये जो है ये इनकी यहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल और ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे देखिए इस वक्त अभी 6 बजे जो है बयान स्टार्ट होने वाला है, तो जो जो लोग अभी आराम कर रहे हैं उनको उठाया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह ये, सो तकरीबन 1600 के करीब जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं। This work is not done by loose thinking. It is done within the guidance of the elders. May Allah Subhanahu wa Taala give us tawfiq. Please make intention of this. Inshallah. ये इनका जो है डाइनिंग एरिया है, ये सामने से आप देख सकते हैं। ये मस्जिद का फ्रंट एरिया है। ये देखें, ये इधर राइट हैंड के ऊपर जो है इनका किचन है, और इधर से चलते हैं, बना सकते हैं। शुक्रिया हबीबी, हुकुम सवर। माशाल्लाह यहाँ पे आप देखें, ये सारे जो है यहाँ पे खाने बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या ख्याल है हबीबी? खुशियाद अशा याद है, ये चाय बन रही है। ये चाय की देखें, ये माशाल्लाह से यहाँ पे ये सारे जो है देखे बन रही है, खाने का इंतज़ाम हो रहा है। इधर ये देखिए आप, ये खाना बन रहा है, लैम कड़ी बन रही है यहाँ पे ना, और इधर जो है ये सारी ये चाय बनी हुई है, और उधर देखिए वो भी है सारा अलग अलग मिनट बिन मसर। माशाल्लाह अल्लाह हाय, अल्लाह तका आफिया। उधर देखिए वो सारी जो है खाने बन रही है, इनका किचन है। बस ये अभी ज़रा चाय का टाइम हो गया है। यहाँ पे नदीम साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ये भी माशाल्लाह सारे साथी जो हैं गुड़मे से आए हुए हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह अभी हम चाय पियेंगे। चाय पी के फिर हम मस्जिद के अंदर जाएंगे, जब दर्स स्टार्ट होगा फिर हम इंशाल्लाह आपको वहाँ का माहौल दिखाएंगे। और ये यहाँ पे हमें जो है हमारी लोकल मस्जिद के शेख नज़र आ गए हैं, और ये माशाल्लाह हमारे मौज़िन है गुड़मे ईमान फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड टू सी यू हियर। अच्छा जी देखिए, यहाँ पे ये जितने भी आप घर देख रहे हैं ना, सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे, ये 99% जो है ना सारे मुसलमानों के हैं। और ये पूरी स्ट्रीट जो है ना, यहाँ पे इस तरफ जो है ये मरकज़ है, इसी के पीछे जो है बैक साइड के ऊपर कार पार्क है इसकी, और लेफ्ट हैंड के ऊपर इनकी काफ़ी बड़ी ग्राउंड है। और
इधर देखिए इनका नीचे वाला हॉल है, ये देखिए यहाँ पे इनका जो है ये वजू का एरिया है सारा। यहाँ पे देखिए आप ये सारा जो है वजू का एरिया है। और ये देखिए आप ये शॉप के अंदर जो है इधर आपको अबाय मिलेंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल मस्जिद के साथ है। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी टॉप्स वगैरह मिलेंगी, आपको टोपियाँ वगैरह भी मिल जाएगी, थर्मल हैं, जानवाजे हैं यहाँ पे। हर मस्जिद का जिम्मेदार अभी मुसलमानों से ले जाएगा। हमारा काम है पूरे हर आदमी जो हमारे काम में आता है अपनी इस्लाह के लिए आता है और पूरे उम्मत की फिक्र के लिए कर, पूरी उम्मत की फिक्र करनी होती है, इस्लाह अपनी मस्जिद से बाहर आए हैं और मेरे साथ हैं नदीम साहब, हमारे गुडमेस के साथी हैं, मेरे नेबर भी हैं, उनसे पूछते हैं कि एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमेशा की तरह यहाँ आने से काफी रूहानियत मिलती, मैं एक ही पैगाम था कि किस तरह जो है हमारी 24 घंटे की जिंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजरने वाली बन जाए, क्योंकि असल कामयाबी आखिरत की है, ये दुनिया आरजी है, तो जिसे अल्लाह सुबहाना ताला आखरत का जो है फिक्र नसीब फरमाए उसकी दुनिया भी आसान फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत नेक नूरानी माहौल था और सबसे पहले हमारी मेरी खुद की जिंदगी में कैसा 100% दीन आए और इसके साथ इंशाल्लाह अमल कर सके और तमाम दुनिया के तक हर शख्स दीनदार कैसे हो जाए। बस इंशाल्लाह भी मगरिब अजान हो रही है तो हम इंशाल्लाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें दुआ में याद रखिए। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे कोई अच्छा ब्लॉग लेके आपके पास, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह सैयद जी, हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं यहाँ पे, अभी इस वक्त मगरिब की नमाज ख़त्म हो चुकी है और ये लोग जो है ना सब अभी यहाँ पे खाना खा के निकल रहे हैं, ये खाना खा लिए और यहाँ से किचन से जो है ना भी सब निकल रहे हैं। और ये देखिए ये मनाजर है मस्जिद के बाहर के।